और ड्रोन से मारना चाहता है इजराइल। बंकर से नेतन्याहू का एक्शन। ईरान पर शनिवार सुबह इजराइल ने हमले किए हैं। ऐसा लगा जैसे पूरे तेहरान में दिवाली पर पटाखे फूट रहे थे। माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के हमलों का बदला ले लिया है। हालांकि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ये हमले किलर ड्रोन से किए गए थे या फाइटर जेट से, यह अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। जानते हैं किलर ड्रोन हरमीस 900 के बारे में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से उसके 200 मिसाइल हमलों का बदला ले ही लिया। इजराइल की डिफेंस फोर्स IDF ने कहा है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। उसने ये भी कहा है कि दुनिया के किसी भी दूसरे संप्रभु राष्ट्र की तरह इजराइल के पास जवाब देने का अधिकार है और ये उसका कर्तव्य है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद ईरान में मौजूद शासन और क्षेत्र में मौजूद उसके साथियों ने इजराइल पर लगातार हमले किए हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों के पीछे हरमीस 900 हत्यारे ड्रोन का भी हाथ हो सकता है। खुद ईरान की सेना ने कहा है कि इजराइल ने ज्यादातर हमले ड्रोन से किए हैं। जानते हैं डेथ ड्रोन 900 के बारे में। ईरान पर इजरायली हमले के बाद PMO ऑफिस की ओर तस्वीर शेयर की गई है। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बंकर में रक्षा मंत्री और IDF के जनरलों के साथ मीटिंग करते दिख रहे हैं। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक ये बंकर तेल अवीव में किरिया मिलिट्री बेस का है। इसराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने सैन्य अफसरों से इजराइल का हमला होने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। माना जा रहा है कि इजराइल का अगला कदम खामनेई को निशाना बनाने का हो सकता है। इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में खामनेई भी अगला निशाना हो सकते हैं। दरअसल हरमीस 900 ड्रोन एकदम सटीक निशाना बना सकते हैं। हालांकि इस पर कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। खामनेई सोए ही थे कि जब इजरायली हमले हुए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF के पास एक बेहद अनूठा और खतरनाक हथियार आया है। इसका नाम है हरमीस 900 ड्रोन। इसे कोशेव या दस्तार भी कहा जा रहा है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इस ड्रोन का निशाना इतना सटीक है कि अगर एक चलती कार में चार लोग हैं और सिर्फ ड्राइवर को निशाना बनाना है तो ये ड्राइवर को ही खत्म करेगा। बाकी पैसेंजर्स को हमले से कोई नुकसान नहीं होगा। इजराइल के आसमान को सुरक्षित रखेगा। हरमीस 900 इजराइल के आसमान को महफूज बनाएगा। इसे हरमीस 400 का ही अपडेटेड वर्जन बताया जा रहा है। हरमीस 900 को हिब्रू में कोशेव या द स्टार कहा गया है। ये कई तरह के गाइडेड बम ले जा सकता है। यह एक बार में 30 घंटे उड़ान भर सकता है। 500 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। यह HD ऑप्टिकल सेंसर से लैस होता है। इसके अलावा इसमें स्पेशल एरियल सर्विलांस सिस्टम और पिन पॉइंट लेजर टारगेट मार्कर्स भी होते हैं। हरमीस 900 माना जाता है कि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर इसी डेथ ड्रोन से तोड़ी थी। IDF की ग्राउंड ऑपरेशन फोर्स और नेवी को ये बिल्कुल सटीक टारगेट और लोकेशन बताएगा। अगर इनके लिए टारगेट दूर रहा तो ये हरमीस 900 खुद टारगेट हिट करेगा। पहली बार गाजा में किया गया था इस्तेमाल। हरमीस 900 के सभी कैमरे रियल टाइम कवरेज करेंगे। कंट्रोल रूम पामचिन एयरबेस पर बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 दिसंबर 2014 को इजराइल ने गाजा में पहली बार इसका इस्तेमाल किया। कंट्रोल रूम में सिर्फ 2 पायलट ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। यह आखिरी सेकंड में भी बम का डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसके कैमरे कभी बंद नहीं होंगे। हरमीस का पहला ड्रोन 2012 में आया था। इसमें मिसाइलें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी साल 2 फरवरी को शेपर्ड मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि इजराइल ने अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड से 20 भारतीय निर्मित हरमीस 900 ड्रोन की डिलीवरी ली थी। इस रिपोर्ट के बाद में भारत में काफी विवाद हुआ था। हालांकि किसी ने यह बात स्वीकार नहीं की थी। अभी इजराइल 900 ड्रोन से मारना चाहता है इजराइल।